आज पढ़ रहे के अंतर्गत अन्य कल्पनाएं। सबसे पहले क्या है? मांसरस। मांसरस तीन तरह का, घन मांसरस, मध्यम मांसरस और तनु मांसरस। मध्यम घन मांसरस रेशो 1:2, मध्यम का 3:8 और फिर तनु मांसरस का 1:4, ठीक है। और इसमें जो मांस होता है वो 8 पल, ठीक है, घन में, मध्यम में 6 पल और तनु में 1 कोड़म मांस होता है, ठीक है। जल जो होता है तीनों में 1-1 प्रस्थि होता है। अब बात आती है वेश्वर की। वेश्वर का रेशो होता है 1:4। वेश्वर में होता है क्या? अस्थिरहित मांस और 1 होता है और जल होता है 4 गुना, ठीक है। वेश्वर के लिए श्लोक आता है, वेश्वर गुरु स्निग्ध बल्यवात रुजापहम, ठीक है। वेश्वर जो होता है गुरु होता है, स्निग्ध होता है, बल्य होता है और वात का रुजा, वात और रुजा का पहम करता है। कुछ लोगों ने वेश्वर को मीट मसाला ही बोला है, ठीक है। बात आती है विलेपी की। विलेपी का रेशो होता है 1:4। विलेपी का भी 1:4, तनु मांसरस भी 1:4, वेश्वर भी 1:4, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। और कुछ लोग, ठीक है, विलेपी के लिए क्या बोला है? विलेपी घन सिक्ता सयात सिद्धा नीरे चतुरूढ़, ठीक है। तर्पणी ब्रहिणी हृदया मधुरा तिक्त नाशिनी, ठीक है। तो चरक ने इसके लिए क्या बोला विलेपी के लिए? स्वेद जन स्वेद अग्नि जननी पेया वाद वार्यो अनुलोमनी। तो सूत्र 46 में क्या बोला गया पेया के लिए? सिक्त ब्रीहिता मंडा पेया सिक्ता समन्विता विलेपी बहुसिक्ता सयाद यवागु विरल द्रवा। सिक्त क्या होता है? चावल के कण को बोलते सिक्त, ठीक है। तो चीज़ हो गई। नेक्स्ट क्या है? अन्न। अन्न का रेशो होता है 1:5, ठीक है। अन्न का 1:5, बाकी अभी जो भी देखे तनु वाले को लेकर वेश्वर और विलेपी का, तो उसका 1:4 था, अन्न का 1:5। यवागु, यवागु को शूक दाने से निर्मित कहते करते हैं, ठीक है। यवागु को शूक दाने से बनाते हैं, ठीक है। और फिर इसका जो सुश्रुत ने रेशो बताया 1:6 बताया, ठीक है, 1:4, फिर 1:5, फिर 1:6 यवागु का है। यवागु तीन प्रकार की है, मंड पेया और विलेपी, ठीक है। शारंगधर ने यवागु के लिए बोला 1:16 और हाफ शेष रहने तक। काश्यप ने क्या बोला? 1:10, 1:50 और 1:20, ठीक है। तो सुश्रुत ने 1:6 बताया यवागु तीन प्रकार की। शारंगधर की जो है 16 है, काश्यप की 10-15-20 है, ठीक है। काश्यप की जो यवागु, यवागु के उसने 7 दोष भी बताए हैं, घन विचीर्ण शीत अवचीर्ण तंडुल पिच्छल विशद अहत, ठीक है। तो ये सब चीज़ें घन विशीर्ण शीत अविचीर्ण तंडुल पिच्छल विशद अहत, जिसमें सिक्त अर्थात तंडुल के कण हाथ से पकड़े जा सकते हैं अर्थात सपरिग्रह, उसे यवागु कहते हैं, ठीक है। जिसमें जो तंडुल के कण हाथ से पकड़े जाते हैं उसे यवागु कहते हैं। काश्यप ने 21 यवागु का वर्णन किया, यवागु काश्यप ने 21 बताई है। चरक सूत्र 2 में 28 यवागु का वर्णन, चरक सूत्र 2 में 28 यवागु, काश्यप ने 21 यवागु बताई है। चारंदर ने यवागु ग्रहणी बल्य तर्पणी तर्पणा वातनाशिनी बोला। चारंदर ने यवागु के लिए क्या बोला? ग्रहणी बल्य तर्पणा वातनाशिनी, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। यवागु के लिए क्या क्या चीज़ें थी? सुश्रुत ने 1:6 इसका रेशो बताया, शूक धान्य से निर्मित होती है यवागु, और शारंगधर ने यवागु के लिए कितना बोला? 1:16 और हाफ शेष रहने तक। काश्यप ने 1:10, 15 और 20 तीनों बता दिया। फिर यवागु के 7 दोष बताए काश्यप ने, ठीक है, काश्यप ने ही 10, 15, 20 का, और इसी ने 7 दोष भी बता दिए, ठीक है। और काश्यप ने 21 यवागु का वर्णन किया। तो काश्यप ने क्या क्या बताया? यवागु के 7 दोष बताए और उसको उसमें वो बताया कि सपरिग्रह यवागु कौन सी है, इसमें चाल के कण पकड़ सकते हैं। 21 यवागु का वर्णन किया है, 10, 15, 20 ने बताया, ठीक है। और फिर बात थी शारंगधर की। शारंगधर ने 1:16 बोला है, सुश्रुत ने 1:6 बोला है, ठीक है। तो और सुश्रुत ने ही यवागु के तीन प्रकार बदल दिए, मंड पेया विलेपी, ठीक है। यवागु मतलब सुश्रुत, फिर शारंगधर, फिर काश्यप आ जाता है। चरक सूत्र 2 में 28 यवागु का वर्णन है, काश्यप ने 21 यवागु का वर्णन किया, काश्यप ने यवागु के साथ दोष ही बताए, काश्यप ने चार परिग्रह यवागु के बारे में बताया। फिर आता शार काश्यप ने 10, 15, 20 ही बोला, शारंगधर ने 1:16 बोला और सुश्रुत ने 1:6 बोला, यवागु के तीन प्रकार मंड पिया विलेपी बता दिया। शारंगधर ने को यवागु को ग्रहणी पल्य तर्पणी वातनाशिनी बोला, ठीक है। अब आते हैं कृष्णा। कृष्णा को त्रिश्रा ही बोलते हैं, मतलब यवागु हो या कैसा हो, ये 1:6 होता है। कफ पित्त करी बल्या, कफ पित्त करी बल्या कृष्णा अनिल नाशिनी कृष्णा शुक्रल बल्य, ठीक है। सुश्रुत ने कृष्णा के लिए क्या बोला? कफ पित्त करी, कफ पित्तकारी है ये, ठीक है, बल्या है कृष्णा है, अनिल अनिल का नाश करती है, कफ पित्त को बढ़ाती है और अनिल का नाश करती है, ठीक है। भाव प्रकाश ने क्या बोला कृष्णा के लिए? कृष्णा शुक्रल बल्य गुरु पित्त कफ वृद्धा दुर्जरा बुद्धि विष्टम्बी मल मूत्र करी स्मृता। भाव प्रकाश ने गुरु बोला है, सुश्रुत ने अनिल नाशिनी बोला, कपित्त बढ़ाने के लिए बल्ले, मतलब उस तरीके से सुश्रुत ने कृष्णा के लिए वही बोला। 1:6 इसका ये है, ठीक है। तो और शारंगधर ने यवागु के लिए ग्रहिणी के नाश नाश के लिए बोला, ठीक है।
हन्न 1:5 है, फिर आता है यवागु और कृष्णा 1:6 है, प्रमथ्या, फिर उसके बाद आती है प्रमथ्या 1:8 है। इसमें क्या होता है, औषधि कल्क लेते हैं और जल लेते हैं, मात्रा इसकी कितनी होती है 8 तोला या 2 पल। ठीक है, चरक ने प्रमथ्या के लिए क्या बोला, मध्य दोषणा तथा दीपन पाचनम, दीपन पाचनम प्रमथ्या के लिए मध्य दोष का मध्य दोष के लिए बोला। ठीक है, अरुणदत्त ने यूष के 2 प्रकार बताए, अकृतयूष और कृतयूष। ठीक है, अकृतयूष यूष 2 प्रकार, अकृतयूष कृतयूष, ये मतलब नोट में था। ठीक है, अकृतयूष इसे क्वाथ कहते हैं और कृतयूष को ये कल्क द्वारा निर्मित है, इसे प्रमथ्या कहते हैं। ठीक है, अकृत क्वाथ से बना है और कृत वाला जो आपका है वो प्रमथ्या कहते हैं। प्राप्त लाक्षारस भी 1:6 है, लेकिन इसमें कितना होता है 1:4 शेष रहता है लाक्षा में। ठीक है, इससे पीछे हमने क्या पढ़ा था, जो आपका था वो कृष्णा 1:6 है। ठीक है, यवागु भी 1:6 है, यवागु में 1:2 शेष रहता है, जबकि प्रमथ्या में आपका लाक्षा में 1:4 शेष रहता है, यवागु में 1:2 शेष रहता है। ठीक है, यवागु और लाक्षा, यवागु 1:2, लाक्षा में 1:4 शेष। ठीक है, जबकि है दोनों में 1:6। नोट, इसमें लाक्षा में क्या है, सर्वज्वराणाम जीर्ण नाम क्षीरम भैषजम उत्तमम, सही प्रकार के जीर्ण ज्वर में क्षीर उत्तम औषध है। ठीक है, सही प्रकार के जीर्ण ज्वर में क्षीर को ले लो, वो उत्तम औषध है। पेया, फिर अब बात आती है पेया की। ठीक है, प्रमथ्या हो गया 1:8। ठीक है, कृत अकृत यूष हो गया। ठीक है, अकृत वाला किससे बना है, कल क्वाथ से, और कृत वाला किससे बना है, कल्क से। ठीक है, पेय के बारे में 1:14 हो गया, द्रव अधिक स्व अल्पसिकता चतुर्दश गुणे जले पेय लघुत्रय, लघुत्रय लघुत्र गया गृहिणी धातु पुष्टधा। ठीक है, तो पेय के लिए 1:14 होता है, भक्त संधान, भक्त संधान के लिए 1:14 होता है, मंड के लिए 1:14 होता है, नीरे चतुर्दश गुणे सिद्धो मंड मंडस्थ असिक्त था, चारंगदर ने अष्टगुण मंड का भी उल्लेख किया है 1:8। ठीक है, अष्ट चारंगदर ने कौन सी मंड का उल्लेख किया है 1:8। ठीक है, जबकि होता क्या, मंड कितना होता है 1:14। ठीक है, पेया हो भक्त हो मंड हो, पेया भक्त मंड 1:14 होता है, लेकिन शारंगधर ने मंड को क्या बोला 1:8 भी बोला। ठीक है, इसके लिए शारंगधर श्लोक भी बोला क्या मंड के लिए, दीपन प्राणादो बस्ती शोधनो रक्तवर्धन जर जर जित सर्वदोष अग्नो मंडो अष्टगुणा उच्चते। ठीक है, दीपन भी है, प्राणदा बस्ती का शोधन, रक्तवर्धन भी है, ज्वर ज्वर का भी नाश करती है। ठीक है, फिर उसके बाद वातमंड और लाजमंड, वातमंड जो है रक्त पित्त का प्रसारण करती है, लाजमंड श्लेष्म पित्त ग्राही है, पिपासा ज्वर का यज्ञ था, पिपासा ज्वर का नाश करती है। फिर मंड के बारे में चरक ने क्या बोला, मंड मंडस्तु दीपन अग्नि वातम च अनुलोम्येत मृदु करोति श्रोतांसि स्वेद संगेता। ठीक है, मंड के लिए चरक ने ये बोला, फिर दीपनत लघुत्वात् मंड स्यात् प्राणधारणा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, प्राण का धारण करता है मंड। फिर अष्टांगहृदय ने मंड पेय विलेपी ओदन बोला, फिर यथापूर्व लघु होते हैं, मतलब ये बोलते हैं कि पहला वाला लघु है, तो मंड पेय विलेपी ओदन उसके आगे वो गुरु होते जाते हैं। अष्टांगहृदय ने बोला औषध सिद्ध पानी और प्राणंग पानी 1:64 होता है, 1/2 शेष, 1/2 शेष रहने तक। ठीक है, अब आपने ये देखा कि लाजा में 1:4 शेष रह रहा था और यवागु में 1:2 शेष रह रहा है, जबकि षडंग पानी में 1:2 शेष रह रहा है। ठीक है, लेकिन यवागु लाजा 1:6 था, सिद्ध पानी षडंग पानी 1:64 है, लेकिन 1/2 शेष रहने तक। षडंग पानी में होता क्या है, मुस्तक परपट उषी चंदन उदीच्य नागरे, मुस्तक परपट उषी चंदन उदीच्य नागरे शीत शीतम पिपासा ज्वर नाशे। ठीक है, शीत शीतम ये क्या होता है, पिपासा ज्वर को नाश कर शांत करता है, ज्वर जन्य पिपासा को शांत करेगा। फिर इसके बाद आता है चीर कल्पना, चीर कल्पना आने का प्रभाव को दूर करने के लिए होती है, चीर पाक कल्पना। इसमें रेशो कितना 1:8:32। ठीक है, 1 कितना होता है औषध द्रव्य, चीर 8 गुना, फिर 32 गुना जल है, चीर अवशेष चीर रहने तक। और इसी को चीर पाक कल्पना को यादव जी ने 1:15:15 बोला, और वैसे कितना है क्या 1:8:32। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। फिर आता है उष्णोदक, उष्णोदक उष्णोदक गर्म करते हैं तो 1/2, 1/4, 1:8 शेष रहने तक कर सकते हैं। ठीक है, ये आधा 1/4 और 1/8 बार। ठीक है, ये क्या करता है, श्वास कास ज्वर का हर करता है, श्वास कास हो और ज्वर हो इससे चलाता है उष्णोदक से। शारंगधर ने क्या बोला, उष्णोदक के लिए श्लेष्म आमवात मेद हरे। ठीक है, मेद का हर करता है मतलब मोटापे को कम करता है, बस्ती शोधन दीपन बस्ती का शोधन करता है, दीपन करता है, श्वास कास ज्वर हरम शीतक उष्णोदकम मिशी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है। फिर आता है युष्कल्पना, युष्कल्पना जो है इसे शिम्बी धान्य से बनाते हैं, युष्कल्पना को शिम्बी धान्य से बनाते हैं, और जो आपकी यवागु है वो शूक धान्य से बनती है।
ठीक है, संविधान यूज कर मतलब दाल होती है, ठीक है। इसमें रेशो कितना है, 1:16 और आधा शेष रहने तक, ठीक है, ये भी इतना ही है। सड़क पानी भी आधा शेष रहने तक होता है। एक पल द्रव्यों का कल्क अनुपात, एक प्रश जल, ठीक है, इसमें एक पल द्रव्यों का कल्क लेते हैं, अनुपात इसका एक प्रश जल होता है। प्रक्षेप द्रव्य इसमें शुंठी या पिपली होता है, आधा कर्ष, ठीक है, मीन्स 1/8 भाग, ठीक है। एक द्रव्य, एक पल द्रव्यों का कल्क लिया, अनुपात एक प्रस्त है, प्रक्षेप द्रव्य शुंठी पिपली आधा कर्ष रहने तक, मीन 1/8 बार। सत्व मुष्टिक यूज, सत्व मुष्टिक यूज जो है वो वात वात का अपशामक होता है। चरक सुश्रुत ने यूज के दो प्रकार का बोला है, चरक सुश्रुत ने यूज दो प्रकार का बोला, अकृत और कृत यूज, ठीक है। काश्यप ने यूज की योनि द्रव बताइए, काश्यप ने क्या बोला यूज को, द्रव बोला, ठीक है। और अकृत यूज होता है और कृत यूज होता है। अकृत यूज इसमें एक क्या होता है, एक कल्क से वाला होता है, एक देख लें दोबारा रिविजन कर ले रहे, ठीक है। इसमें क्या है, अकृत यूज क्वात कहते हैं इसे, और कृत वाला प्रमथ्या, अकृत क्वात है और फिर कृत वाला प्रमथ्या से, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। फिर नेक्स्ट देख रहे थे अपने यूज कल्पना, आधा शेष रहने तक होता है, शिम्बी धानी से बनाते हैं, एक पल द्रव्यों का कल्क होता है इसमें, अनुपात एक प्रस्त जल के साथ, प्रक्षेप द्रव्य शुंठी पिपली होती है, आधा कर्ष, मीन्स 1/8 बार। सत्व मुष्टिक यूज वात का अपशामक होता है। चरक ने यूज दो प्रकार, आकृत कृत यूज, काश्यप ने यूज की योनि द्रव बताई है। यूज दो प्रकार का, कषाय मधुर और कषाय अम्ल, ठीक है, कषाय मधुर कषाय अम्ल होता है यूज दो प्रकार का। पुनः यूज तीन प्रकार का होता है, अकृत यूज कृत्यूष और अकृत कृत कृत अकृत यूज, ठीक है। तो ये किसने बोला, शारंगधर ने, शारंगधर बोला, काश्यप ने बोला, काश्यप ने बोला, काश्यप ने यूज की योनि द्रव द्रव बताइए। चरक सुश्रुत ने यूज के दो प्रकार बोले, लेकिन काश्यप ने तीन बोल दिए, अकृत कृत और कृत अकृत, चरक सुश्रुत ने दो दो ही बोले, ठीक है। तो ये चीज़ है, और इसने यूज की दो योनि कषाय मधुर और कषाय अम्ल भी बता दी, योनि यूज दो प्रकार का, ठीक है। और फिर योनि उसने यूज कषाय की योनि द्रव बताई, यूज की योनि द्रव बताइए, ठीक है। नेक्स्ट आता है द्रव्य अनुसार यूज के 25 भेद करें द्रव्य अनुसार, और फिर रस अनुसार 50 भेद करें, दोष अनुसार 75 भेदों का वर्णन किया है, ठीक है। हिम कल्पना, शीत कल्पना और कोल्ड इन्फ्यूजन, इसे कहते हैं 1:6, इसका भी रेशो होता है, हिम कल्पना शीत कल्पना कोल्ड इन्फ्यूजन का। इसमें औषधि और फिर एक पल होती है और फिर 6 पल क्या होता है, शीतल जल होता है। मात्रा इसकी कितनी होती है, 8 तोला, प्रक्षेप द्रव्य में फांट के समान लेने, ठीक है। धान्यक हिम इन अंतर्दा तृष्णा श्रोत विशोधन, धान्य किम किसमें यूज करते हैं, अंतर्दा तृष्णा श्रोत विशोधन में। अमृता हिम जीर्ण ज्वर में, वासा हिम कास रक्तपित्त ज्वर में, वासा हिम कास और रक्तपित्त ज्वर में, ठीक है। फिर आम्रादि हिम रक्तपित्त में, मरीच्यादि हिम तृष्णा में, नीलोत्पल आदि हिम वातपित्त ज्वर में, सारीवादि हिम रक्त विकार पित्त विकार में। फिर आता है पानक कल्पना, पानक कल्पना में 1:16 होता है, चंदन पानक किसमें होता है, दात तृष्णा मूत्र विकार उपदंश में। फिर चिंचा पानक दीपन पाचन और ग्राही होता है। बंत कल्पना 1:4 होती है, ठीक है। इसमें इसे शीतल जल से बनाते हैं, इसे अंतर अतः इसे हिम कल्पना में रखना चाहिए, परंतु शारंगधर ने मंथो अपि फांट फांट वेदा कहा है, ठीक है। शारंगधर ने इसे क्या बोला, मंथ कल्पना को मंथो अपि भेदा फांट वेदा कहा है। फिर खजूर आदि मंथ मदात्य में, मसूर आदि मंथ छर्दी में, यव सत्तु मंथ दातृषणा में, ये चीज़ हो गई, ठीक है। फिर आता है फांट कल्पना, फांट कल्पना को चूर्ण द्रव मृदु भी इसके पर्याय हैं, ठीक है। इसमें कितना होता है, 1:4 होता है, 1 कुड़ा उष्ण जल होता है इसमें, ठीक है। औषध द्रव्य होता है 1 पल, ठीक है। फांट में 1:4 सेवनीय मात्रा इसकी 2 पल अर्थात 8 तोला। यादव जी ने इसके कितनी बोली, 4 तोला, ठीक है। सेवनीय मात्रा 2 पल 8 तोला, यादव जी ने 1 तोला मतलब 1 पल बोल दिया, 1 पल 4 तोला, ठीक है। सेवनी माता पछे द्रव्य क्वात के समान इसमें रखे गए हैं। सुदर्शन फांड, सुदर्शन फांड मुख्य घटक चिराता होता है, सुदर्शन जीरो होता है इसमें, ज्वर इसका रोग अधिकार होता है। फिर आता है शर्करा कल्पना, शर्करा कल्पना में शर्करा 2:1 होती है, 2:1 शर्करा 2 हो गई और बाकी हो गए हेम फांड अर्क और शित हो गए, ठीक है। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।